हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना 2D माइनक्राफ्ट जो कि मैंने बनाया है स्क्रैच में। और क्लिक ऑन द कैरेक्टर टू स्टार्ट द गेम, प्रेस स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैं ये दो कैरेक्टर्स बनाए, ये है एलेक्स और ये है स्टीव। इनके नाम भी यहाँ लिख के आते हैं जैसे हम इनके ऊपर माउस रखते हैं। तो अब मैं इन दोनों में से किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एलेक्स लड़के, तो मैं स्टीव को चूज करता हूँ। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेस्ट लिख के आता है। आपका जो भी बेस्ट स्कोर है मैंने भी रीसेट कर दिया। यहाँ पे आप रैंडम से फैक्ट्स देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं माइन कर सकता हूँ इस तरह से। और ये मेरी इन्वेंटरी में एमरल्ड आ गए। यहाँ पे ये मुझे ग्रेवल ही मिला है। और इस डर्ट को तोड़ता हूँ मैं, ये डायमंड आ गए। तो क्या एक और बात, इसमें अगर आपको कुछ क्राफ्ट करना है तो उसके लिए आपको क्राफ्टिंग टेबल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाथ से क्राफ्ट कर सकते हो। ये मैंने अपनी मर्जी से ऐसा गेम बनाया है। आप लोग चाहो तो जब मैं इसका ट्यूटोरियल शेयर करूँगा तो उस ट्यूटोरियल को देखने के बाद में आप जो है अपनी मर्जी से भी कुछ एडिट करके इस गेम में बना सकते हो। तो यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। और गाइस, मैंने आपको एक बात बताई नहीं है कि इसके अंदर विलेजर्स भी आएंगे अलग अलग जॉब्स लेके। और ये जो गाइस, यहाँ पे खरगोश आ चुका है। मैं इस खरगोश को मारता हूँ ताकि मुझे खाना मिल जाए। ओह नो, भाग गया वो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे तब तक मैं डायमंड्स और एमराल्ड्स माइन करते रहता हूँ। वाह, जैसे मैंने बोला है ये विलेजर यहाँ पे आ गया। तो ये जहाँ तक मुझे इसका आइडिया, ये बचर है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझसे ट्रेड करेगा। उसे चिकन को मार लेता हूँ और मैं सीधा आके इसको खा भी सकता हूँ। ओह नो, ओह नो, विलेजर चला गया उसकी वजह से। ओके, तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया इस गेम में कि अगर क्रीपर या जॉम्बी विलेजर को टच करते हैं तो फिर विलेजर जो है गायब हो जाता है। और आप देख सकते हो कि अभी रात हो रही है धीरे धीरे। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ आर्मर पे क्लिक करके अपने लिए एक आर्मर बना लेता हूँ। तो बिना क्राफ्टिंग टेबल के यहाँ पे आर्मर बन गया। मैं और फटाफट सब बनाता हूँ। अगर शीप आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे मैं एरो भी बना सकता हूँ। मुझे पता है ऐसे रेसिपी से 4 एरो बनती, लेकिन मैंने रखा है कि एक ही बनेगी। और गाइस देखो, यहाँ पे एक और विलेजर आ चुका है और ये शीप आ चुकी है। शीप को तो मैं कभी नहीं छोड़ता। ओके, पहले मैं विलेजर से ट्रेड करता हूँ। ओके गाइस, अगर मेरे पास 20 एमराल्ड होते, यहाँ पर 12 है मेरे पास, अगर मेरे पास 20 एमराल्ड होते तो ये जो है मुझे 6 फेदर देता। अगर मैं डील करूँ कैंसिल करूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं डील करके दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं हुआ। खैर लेकिन अच्छी बात तो है कि अभी हमारे पास थोड़ा खाना और वो ला चुका है। और खाना आ गया, मैं और आर्मर बना देता हूँ। और मैं जो एक तलवार ही बना लेता हूँ। और जैसे ही मैं 2 दबाऊंगा तलवार मेरे हाथ में आ जाएगी। ओके, मेरे पास, अच्छा मेरे पास फ्लिंट नहीं है। फ्लिंट चाहिए मुझे एरोज बनाने के लिए। फिर गाइस रात हो चुकी है और क्योंकि मेरे पास अब तक 3 होल नहीं आए, इसलिए मैं जो है आर्मर ये बेड नहीं बना सकता, वरना सुबह हो जाती है और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं मारने के लिए। और गाइस ये देखो, यहाँ पे क्रीपर आ चुका है, लेकिन ये मेरे पास आर्मर है, मुझे कम डैमेज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ना, इस बार मुझे कम डैमेज होने वाला है। देखो आपने, इस बार मुझे काफ़ी कम डैमेज हुआ पिछली बार के हिसाब से।
गाइस अभी आपने देखा कि जैसे ही मुझे डायमंड मास्टर का अचीवमेंट मिल गया, वैसे ही मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स आ गए मेरी इन्वेंट्री में, और उसी के साथ साथ क्रीपर जब फटा तो मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। ज़ॉम्बीज मारेंगे तो भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, थोड़ा सा डैमेज होगा बस, मैं हमेशा नहीं होता अगर खाना खा लेता हूँ। ओके गाइस आप देख सकते हो कि थोड़ा टाइम हो चुका है तो मेरा आर्मर जो है वो कम होते जा रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे आर्मर खत्म हो जाएगा। और गाइस तो यहाँ पे अभी मेरी तलवार भी खत्म हो चुकी है, मैं वापस से नई तलवार निकाल लेता हूँ और मैं तलवार क्राफ्ट करके भी रख लेता हूँ। और गाइस तो मेरे को एक और अचीवमेंट मिला फेदर लाइट, इससे जो है यहाँ पे जो एरोज है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और गाइस तो मैं इस ज़ॉम्बी को अपने पीछे रखता हूँ। हाँ ये देखा आपने, जैसे ही सुबह हुई वो ज़ॉम्बी गायब हो गए। और गाइस तो देखो बेड बन रहा है, ये बेड बन गया हमारा। ओके गाइस देखो और एक विलेज आ चुका है, इससे मैं पक्का ट्रेड कर लूंगा। तो क्या दे रहा है ये, 15 एमरल्ड के बदले 30 स्टिक्स। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो बहुत बुरा होगा, ये अच्छा चांस आ जाएगा। जैसे मैं डील पे क्लिक करता हूँ आप देखो यहाँ जो है 15 एमरल्ड गायब होंगे और 30 स्टिक्स बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ से एमरल्ड कम हुए और स्टिक्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ही इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वेजर से। ऐसे आप देख सकते हैं मैंने बेड प्लेस कर दिया है, अब मैं इस पे स्पेस दबा के सो सकता हूँ। और ये देखो गाइस सुबह हो चुकी है और भूख भी लग रही है। ये बहुत अच्छा है। ओके डायमंड्स गाइस देख सकते हो कितने सारे डायमंड्स हो चुके हैं। मैं आपको एक और अचीवमेंट दिखाई देता हूँ कि बहुत सारे डायमंड्स पे क्या होता है। अरे देखो डायमंड मास्टर का अचीवमेंट, इससे चेस्ट प्लेट मिल जाती है। अब मैं पूरा आयरन डायमंड का आर्मर बना ही लेता हूँ। मैं 20 एमरल्ड के बदले 2 वुल दे रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब फाइनली 64 स्टिक में ये बेड भी बन गया एक। क्या ट्रेड कर रहा है, अब फिर से वही। अब देखो गाइस अगर मैं 1 दबा के अभी बेड प्लेस करूं और इसमें सोना चाहूं तो मैं नहीं सो सकता हूं। अब मैं इसको तोड़ के कलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन वार्निंग में एक और चीज़ लिखी हुई थी, अगर बेड आपकी स्क्रीन से बाहर चला गया तो फिर वो बेड चला जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब मैं इस पर सोनू, यहाँ पे देखो मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो उसकी तकिया उस साइड रहती है, भाई मैं सो नहीं सकता। हाँ अब मैं सो सकता हूँ। तो गाइस देखा आपने, ऐसा है मैंने ये बनाया। और ये देखो गाइस यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा फुल हंगर है, तो फिर मुझे कुछ खाना पड़ेगा वरना यहाँ पे लाइफ जो है ऐसे जाते रहेगी। तो गाइस अब जो है मैं आप लोगों को फैंटम दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी ज़्यादा देर तक बस रुके रहूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ अपने स्क्रैच पर की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ।
मैं इसको रन करके देखता हूँ अपनी गेम को। तो भाई आप देख सकते हो पीछे से फैंटम गया है और अभी भी आपने देखा फैंटम बिल्कुल यहाँ सर के ऊपर से गया है और अभी फैंटम यहाँ से जाने वाला है इस तरह से। और लाइफ आप देखना कितनी कम हो जाती है, ये देखो 1 2 3 4 लाइफ असल में कम हो गई थी, हंगर फुल है इसीलिए वो लाइफ वापस से रीजनरेट हो गई। लेकिन ये देखो फिर से वो सर के ऊपर से गया बिल्कुल, वो फिर से आएगा और एक बार उसको टच कर ले तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। ओ इस बार फिर से बच गया क्योंकि एक्चुअली मैं चल रहा था इसलिए। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जो है एक डर्ट लगा देता हूँ ताकि अब वो ऊपर नीचे आए तो मेरे को लग ही जाए उससे। ओके लेट्स सी, यहाँ पे देखो ये जब आप हारते हो तो यहाँ पे लिखा आता है टाइम सर्वाइव बाय यू इज 56 सेकेंड्स और वहाँ पर जो है बेस्ट स्कोर भी लिख कर आता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट स्कोर जो कि अभी मेरा ही है, अभी मैंने आपके सामने किया है वो। ओके तो गाइज मैं जो है अपना गेम वापस से रिलोड कर लिया है और हर चीज़ पहले जैसी हो चुकी है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं इसमें कुछ चीट्स भी ऐड कर दी, मतलब कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है गेम में, आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी चीटिंग करना चाहते हो, तो क्रिएटिव मोड तो नहीं है इसमें लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीटिंग तो कर सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए यहाँ पे लिख के भी आता है चीट नंबर 1 कैन बी यूज ओनली वंस, और वो भी लिखा आता है कि जब आप ओ की प्रेस करते हो तो फिर आप चीट एंटर कर सकते हो। तो मैं जो है यहाँ पे म्यूजिक खत्म हो गया, मैं क्या करूँगा ओ की प्रेस करूँगा यहाँ पे चीट नंबर। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे लिखूंगा चीट नंबर 3 लिखता हूँ मैं पहले, और वो है डेंडर मैन। ऐसा मैंने इसमें द का ई और एंटर मैन का ई दोनों को एक कर दिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखना क्या होता है। ये देखो गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। यहाँ पे जो इसके पीछे ये पिंक स्पार्कल्स भी निकलते रहते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये ऐसी ये डर्ट को कलेक्ट करता है जिसके ऊपर ग्रास उगी हुई है तो फिर आप देखना ये जो है एक ही जगह उसके इन्वेंट्री में दो आती है। अब देखो अगर मैं इसको प्लेस करूं और प्लेस करने के बाद में जो है मैं इसको माइन करूं, इसके ऊपर घास नहीं होगी मैं इसको कलेक्ट करूंगा, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो दो डर्ट हो गए पहले जितनी। लेकिन अगर जो है मैं इसको प्लेस करूं और 10 सेकंड के लिए रुक जाऊं, और ये देखो गाइस यहाँ पे जो है 10 सेकंड के बाद इसमें एक घास उग चुकी है और वो कहाँ से आ गई, वाह 10 एमराल्ड के बदले एक स्वॉर्ड। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब जब मैं इसको माइन करूँगा तो फिर इसे माइन करके मैं इसे कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखो 3 डर्ट हो गई, वो जिस भी डर्ट पे ग्रास उगी होती है उससे असल में एक ही जगह 2 डर्ट मिलती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हंगर का सिस्टम ही गायब हो गया, मैंने वो हटा ही दिया कि अगर एंडरमैन बनते हैं तो फिर हंगर गायब ही हो जाती है। और ये जो है यहाँ पर आपकी हेल्थ हमेशा रिजनरेट होती रहेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ दूसरी चीट लिखता हूँ वो डाल के चीट नंबर लिखता हूँ मैं 2, और वो चीट है गेट रिच। दोनों वर्ड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, जैसे मैं एंटर करूँगा 64 डायमंड 64 एमराल्ड्स। अब यहाँ पे पहले डायमंड मास्टर का अचीवमेंट मिला तो चेस्ट प्लेट आ चुकी है डायमंड की। अब मैं जो है यहाँ पे और भी कुछ करता हूँ, पूरा आर्मर ही बना देता हूँ अपना। एक और डायमंड मास्टर अचीवमेंट, और यहाँ पे जो है
मेरे डायमंड 64 हो गए। अब मैं तो इस पे इससे ट्रेड हाँ करता हूँ, डील। ओके, आपने बहुत आसान से हो गया। अब जो सबसे बड़ी चीट है, चीट नंबर वन, जिसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, चीट नंबर वन, वो चीट है थिंक क्रिएटिव। स्पेस नहीं है थिंक और क्रिएटिव के बीच में। एंटर मैं करूँगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे सारे के सारे एडवांसमेंट पहले अचानक से मिल गए। फुल आपके पास डायमंड आर्मर भी आता है, लाइफ भी फुल हो जाती है, सुबह भी हो जाती है, हर चीज़ इन्वेंटरी में फुल हो जाती है। और चाहिए क्या भाई चीटिंग करने के लिए? इससे ज़्यादा तो कुछ उम्मीद तो रख नहीं सकते। डायमंड का आर्मर हो तो फिर क्रीपर तो डैमेज करेगा नहीं, और अगर जॉम्बीज हो आसपास तो फिर सुबह ने कैसे मर जाएंगे। और क्या अंदर के अलावा और कुछ तो है भी नहीं। हेलो बचर। तो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरा जो बनाया हुआ गेम है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि गाइस ये तो मेरा बेस्ट गेम है जो मैंने अब तक बनाया है। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि इस गेम को आके खेलो, तो फिर आप लोग को ये कंप्यूटर में ही खेलना पड़ेगा। मैं पहली बार आ चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आपको ये कंप्यूटर में ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में ये मैंने अब तक चलने के लिए बनाया नहीं। और अगर मैं बना भी तो भी वो जो है मोबाइल में इतना अच्छे से रन करेगा नहीं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँ कि आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करें अगर खेलना चाहें तो। और आप लोगों को अगर इस गेम का ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कुछ ही दिनों में। बस आप कमेंट करके बता दो अगर आपको ये गेम अच्छा लगा है, आप खेलना चाहते हो तो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप खेल सकते हो। और क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।